जो है कंप्रेशन देना है, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जी ये सबसे पहले जो नंबर पे खड़ा है ये आपके सामने, इसको हम कहते हैं स्लज सूट। स्लज सूट जो है वो यूज होता है कहीं गंदे पानी में एंट्री करने के लिए, तालाब वगैरह में या किसी जॉड वगैरह में एंट्री करने के लिए। तो ये पानी के पानी जो है वो इससे अंदर नहीं, बॉडी को टच नहीं करता, मतलब गंदे पानी। ये हमारी मोटर बाइक है जो इमरजेंसी के लिए यूज होती है। बेटा थोड़ा सा रास्ता। लाइफ रिंग है, इसको लाइफ रिंग कहते हैं। ये वाटर रेस्क्यू इमरजेंसी के लिए यूज होता है। कहीं पे अगर कोई बंदा डूब रहा है तो दूर से ही उसकी तरफ जो है वो फेंकते हैं और इसको पकड़ के वो बाहर आ जाता है। ये लाइफ जैकेट है हमारे पास, ये उसको पहन के जो है वो पानी में एंट्री करते हैं। ये कुछ मेडिसिन पड़ी हुई हैं जो हमारे मोटर बाइक एम्बुलेंस स्टाफ जो है वो यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म की एमरजेंसी के लिए। और ये इसके बाद जो आपके सामने, इसको हम कहते हैं सोनार। सोनार बेसिकली यूज़ होता है वाटर रेस्क्यू एमरजेंसी के लिए, कि कहीं पे कोई डेड बॉडी अगर वाटर रेस्क्यू में है, वाटर में पानी के अंदर है, तो वो हमें उसका पता नहीं चल रहा, तो इसको हम जो है वो पानी के अंदर यूज़ करते हैं। ये कैमरा है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये पानी के अंदर होता है। और साथ साथ ये इसकी LCD, ये LCD है। LCD के ऊपर जिस तरह एक एक्सरे मशीन के अंदर पूरा एक्सरे आ जाता है ना, तो बॉडी का एक एक्सरे टाइप जो है वो मशीन के ऊपर आ जाता है। उससे पता चल जाता है कि बॉडी कहाँ पे पानी में मौजूद है और फिर उसको एवैक्यूएट। ये जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, ये इसको हम कहते हैं लिसनिंग डिवाइस, कि कहीं पे भी अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो विक्टिम्स जो हैं वो अंदर फंसे होते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो विक्टिम कहाँ पे मौजूद है, बिल्डिंग के अंदर किस जगह पे मौजूद है, इसलिए इस डिवाइस को हम यूज़ करके वहाँ पे पता चल सकता है कि अंदर कितने बंदे मौजूद हैं और कहाँ पे मौजूद हैं, और फिर हम उनको एवैक्यूएट कर लेते हैं। ये हमारे पास सर्च कैम है, कि कहीं पे कोई बिल्डिंग जो है वो गिरी हुई है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे लेंटर के अंदर कोई बंदे फंसे हुए हैं, तो इसके साथ ये कैमरा लग के अंदर भी चला जाता है। ये इसके साथ लीड है, तो ये इसके साथ लीड है, नीचे भी चला जाता है। या इवन आपको इस हिसाब से समझ आएगी कि किसी होल वगैरह में कोई बिल्ली या कोई इस तरह की चीज़ गिर जाती है, तो ये कैमरा नीचे जो है वो होल में चला जाता है और उसमें भेज के पता किया जा सकता है कि वो चीज़ जिंदा है या नहीं है, या किस जगह पे एग्जैक्ट मौजूद है। इसको हम सर्च कैम कहते हैं। ये हमारे पास कंक्रीट चेनसा कटर है, कंक्रीट चेनसा कटर, के कहीं पे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कलेप्स कर गई है, तो वो जो कंक्रीट है वहाँ पे उसको काट के अंदर से बंदे को अगर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। या फोर्सेबल एंट्री के लिए भी यूज़ होता है, कि अगर किसी दीवार को तोड़ के हमने अंदर दाखिल होना है, तो इसके ज़रिए हम इसको यूज़ करके वहाँ पर दाखिल हो जाते हैं। ये हमारे पास SCBA सिलेंडर, इसको कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस। कहीं पे आग लग जाती है, फायर केस होता है, तो जाहिर बात है वहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा होता है, तो स्मोक में वहाँ पे एंटर करना या वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहना बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इस सिलेंडर को पहन के, बंदा रेस्क्यूअर जो है इस सिलेंडर को पहन के वहाँ पे एंट्री करता है, और वहाँ पे कोई अगर एवैक्यूएशन करनी है या वहाँ पे फायर फाइटिंग करनी है, तो इसकी मदद से जो है वो ईजिली फायर फाइटिंग कर सकता है। ये हमारे पास स्कूबा, इसको कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस, कि कहीं पे कोई ड्राउनिंग की इमरजेंसी है, पानी के अंदर कोई इमरजेंसी हो गई है, तो हमने पानी के अंदर वर्किंग करनी है, जाके कोई सर्चिंग करनी है, तो इस सिलेंडर को हम पहन के पानी के अंदर जाके डाइव करके इसकी मदद से हम सर्चिंग करते हैं। ये हमारे पास वेट सूट है, ये टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर सर्दियों के सीज़न में कोई ड्राउनिंग की इमरजेंसी आती है, तो पानी के अंदर जब जाते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो इससे अफेक्ट नहीं होता। और ये सूट हमारे पास है फायर सूट, इसको कहते हैं। कहीं पे आग लग जाती है तो इस सूट को पहन के वहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं। ये बड़ा कॉस्टली सामान। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ ਕਿ 1122 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਨਸਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਦਰਦ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ दर्द दे विच सिर्फ एक माँ याद आती है या रब याद आता, तो रब तो बाद 112। जी मिस बात करें जी, आप 112 पे कि आपका किरदार क्या है इस दायरे में आपका? एज अ वॉलंटियर
सर टीम चैलेंज की तरफ से हम आए हैं, तो मेरा यही पैगाम है कि आप 1122 को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा भी लोगों को ये भी एक मैसेज देना है कि कभी कभी वो 112 को रॉन्ग मैसेज भी कर देते हैं, जिनका उन्हें बाद में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि गलत मैसेज आने की वजह से वो समझते हैं कि फिर उन्होंने गलत ही हमें पब्लिक वास्ते बड़ी बड़ी खबर है कि रॉन्ग मैसेज नहीं करना, तो आड़े एक मैसेज च जो 1122 तुहाडे वास्ते मसरूफ हो जाती है, तो उस टाइम च कोई एमरजेंसी कोई जिंदगी दा लड़दा हुंदा वे ओदा टाइम तुहानू दिता जा रहा, तो तुसी ब्लफ कर रहे हो, इहदा मतलब है तुसी इंसानियत नू नुकसान पहुंचा रहे हो। ते अगली गल मैडम करेंगे तुहानू, तो वही तो कह रही हूं कि इनको रॉन्ग मैसेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको ओरिजिनल मतलब सीरियसली जब आपको एमरजेंसी हो जाती है, जब आप उन्हें कॉल करते हैं, तो वो उसका फिर रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि आपने पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए काइंडली 112 को सपोर्ट करें, उनके साथ कोऑपरेट किया करें, अगर कोई इमरजेंसी हो गई हो तो उन्हें सबसे पहले ये बताएं कि क्या मसला है, उनको अपना ईमेल बताएं कि उसकी उम्र क्या है, जिसको क्या मसला हुआ है, तो ये बताना चाहिए, ये फजूल बातें नहीं करनी चाहिए, ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल सके और वो आपके पास जल्दी पहुँच रहे, ताकि वो किसी की जान भी बचा सके। वेरी गुड जी, इस गल ते असी एंड करने हैं कि 1122 ने बेड़ा चुकिया वे जिंदगियां बचाने दा, इंसानियत नू एक अवेयरनेस देन दा कि तकलीफ चो निकलना किवें वे, अगर सिर ते तकलीफ आ गई है ते उहदे तो बरी किवें होना वे, ते ए साडा जिहड़ा स्टाफ है 1122 दा, इन्हां नाल रज के ते बेहतरीन तरीके नाल तुसीं हैल्प करिया करो, बलफ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये होमा वक्त हर टाइम तुहाडे वास्ते अवेलेबल हैगे ने, इन्हां नूं फोन करो और अपनी तकलीफ दा अजाला करो। इहदे नाल जी थैंक यू, शुक्रिया जी, मैडम जी आपका भी शुक्रिया, सवेरा जी आपका भी शुक्रिया, दिन चढ़ गया जनाब, ये तुहाडे कोल इजाजत लैने आ, रब रब।